नमस्कार, स्टैंड विद मिथिला पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आराम से हो, माथा ने फोड़ दिया। हम सब अखन कॉलम में छी और एत आम के स्ट्रीट रहल है, ठीक से गाड़ी पर नहीं लागे पूरा देख के कनी फेकल। एत जे छी से कलकतिया आम टूट रहल है। कलकतिया आम के आब आमक सीजन के ही अंतिम आम रहे छे और वाकई ई आम के सेहो रहे छे मिठास, लेकिन बाकी आम से कम। जेना जेना सीजन ऑफ जाय रहे छे आम के मिठासो तहिना तहिना कम होत जाय छे। मतलब ई मालदा, किशनभोग, ऐ सब तरह के बम्बई आम के बाद ई जे छे से आगे कलकतिया आम के सीजन आबै छे। और एत हमर गाछ से आम टूट रहल अछि, एतै हम सब छी। हालांकि देखल जाय तऽ लोक के खाय के लेल अपन तऽ उपजिये जाय छे, लेकिन हमरा मानना एहन अछि जे आदमी के ई सोच होबाक चाही जे ओ एकटा एक्सपोर्ट के जे छै माइंडसेट बनाबैत, जे ओ जे किछु प्रोडक्शन करै छथि, उत्पादन करै छथि, ओकरा ओ अपना जगह सँ, अपना गाम सँ बाहर तक सेहो भेज सकी। तऽ एतऽ दूटा फैक्टर जे मेन काज करै छै ओ ई कि हमर चीज प्रोडक्शन केना हैत और एकरा हम बाहर के मार्केट में केना सेल आउट करी। तो देखियो, डिमांड तो नो डाउट बढ़िया छे। अहाँ जहन कोनो चीज के प्रोडक्शन करै छी तऽ नो डाउट ओकर डिमांडो होइ छै मार्केट में। तो आम के तहिना छै, आम शौकीन चीज छै। अहाँ अगर एकरा ठीक से पैकिंग कऽ कऽ और बढ़िया आम अगर बाहर भेज रहल छियै तऽ अहाँ के एकर वैल्यूओ बढ़िया भेटत, नो डाउट, एहिमे कोनो संदेह नहि छै। तहन एतुका लोक के जे सोच छै ओ ई छै जे बस चल अपना पेट भरि गेल, लैट्स ऑल। लेकिन एहन नहि होबाक चाही। एतऽ हमहुँ सब किछु एहिके बारे मे सोचि रहल छी और एहिपर किछु किछु काज कऽ रहल छी। एहिमे ड्यूअल मॉडल पर काज करऽ पड़तै एकटा किसान के रूप में, जे भाई ओ केना ककरा एकर क्वालिटी के साथ साथ एकर जे क्वांटिटी छै से इम्प्रूव कयल जा सकै। और दोसर ई चीज जे एकरा सेल करऽ के लेल एकर जे प्रॉपर मार्केट छै ओतऽ तक पहुँचा सकी। तऽ ई सब चीज छै। हमसब किछु किछु नया कॉलम लगेलहुँ हैं, अगर देख सकी तऽ अहाँके जे छै से बता दी। एहि साइडमे सेहो किछु आम छै, एहि साइडमे पेड़ लागल छै किछु और एहि साइडमे सेहो लागल छै। तऽ कहऽके मतलब इएह चीज भेलै जे मिथिलाके भीतरसँ अहाँ की चीज प्रोडक्शन कऽ कऽ बाहर भेज रहल छी और अहाँके कतेक वैल्यू भेट रहल अइ, तकर मोटिवेशन किसानके केना भेट रहल छै, ई चीज एगो मैटर करै छै। तऽ आइके डेटमे जेना COVID-19 स्प्रेड केलकै पूरा दुनियामे और लोक एहिसँ तबाह भऽ चुकलै, एतऽ ईसँ एगो कतौ ने कतौ मैसेज गेलैए जे अहाँ टेक्निकली कतबो एडवांस छी, लेकिन नेचुरली अहाँके जीवन पृथ्वी पर ही जीवऽ पड़त। हमरा सबके एकटा ही पृथ्वी अछि, हमसब इएह पृथ्वी के सुंदर बना सकै छियै। तो एजुकेशन के अहाँ अप्लाई करू, अहू सब चीज मे पढ़ाई के साथ साथ किछु एहन चीज करू जैसे कि ग्रीनियरी मेंटेन होए। और देखियौ कतेक नीक लागि रहल छै, अगर देखिए अहाँ तऽ एहिमे पहिले के समय मे, एहि समय मे जे छै से बड़द सँ खेती चलै छलैए। बड़े आराम सँ तोड़ी ने पूरा डाढ़ि पर खस्तो खराब होइत हम। पहिने बड़द सँ खेती होइ छलैए, बड़द चढ़ैत रहल एकदम जे छै से अहाँके ओहिमे धान कादो धान रोपाइत रहै छै, कादो होइत रहै छै। आब तऽ नॉर्मली लोक की करै छै, ट्रैक्टर सँ प्लॉगिंग करवा दै छै और ओहिमे आबि कऽ धान टोपि दै छै। तऽ धानक बीया रोपलाक बाद वएह बीया जे छै से कखनो धान बनै छै और फसल के रूप में काज करै छै। अहाँ या हम मिथिला मे अगर ढंग सँ बीया नहि रोपबै ने आर्थिक दृष्टिकोण सँ, तऽ आबऽ वला समय मे ई मजबूत फसल नहि हेतै और ई अहाँके बढ़िया जे छै से ओ फसल नहि उत्पादन भऽ सकतै। तैं दुआरे अहूँ सबसँ हम इएह चीज कहब जे किछु ने किछु एहन चीज करू जे मिथिला के इकोनॉमिक दृष्टिकोण सँ स्ट्रांग बनाबै और नव नव चीज किछु ने किछु होबाक चाही। ई गैले गीत बजैले ढोल वाला हिसाब किताब नहि होबाक चाही। ज्यादातर लोग अखन बस केवल गीत नाद में लागल छथि। जे लॉकडाउन छलैए एहिमे किछु इकोनॉमिक रूप सँ अगर मिथिला
कोशिश करते तो बहुत किछ भ सके छले, लेकिन नहीं केलके, नहीं करे चाहे छे। पॉलिटिकली देखल जाए तो घर घर में एक राजनेता बैसल छे, और एतो अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बात करी तो जे काज कर रहल छे तकरो टांग घिचल जाए छे। कतौ ने कतौ ई चीज के सामंजस्य नहीं छे, तै दुआरे मिथिला के आई ई दुर्दशा छे। और की कहब, बस सुंदर हवा अछि, अपन गाँव में छी, नीक लागि रहल अछि। दुनू भैयारी गप कऽ रहल छलहुँ जे केना एहि सब चीज के विस्तार होबाक चाही, की अखन के फसल में किछ एहन सुझाव छै जे किसान के साथ हम साझा करी, किछ मजदूर वर्ग छै जिनका हम ई चीज बता सकियनि जे पलायन असली जे छै से सॉल्यूशन नहि छै, दर्द छै एहिके पीछा, कतौ ने कतौ खुशी भी छै जे लोक बाहर जाइ छै तऽ ओकरा कतौ ने कतौ एक साथ पाइ भेटै छै आओर अपन किछ अमाउंट घर भेजै छै, लेकिन दरअसल पलायन के ओहनो फायदा नहि छै जे देखल जाए तऽ, किछ फायदा नहि छै, नुकसान ही छै। अहाँ अपन पूरा जीवन एकटा आन जगह पर लगा कऽ जीवै छी आओर अन्तिम मे पता करै छी तऽ किछु नहि कऽ पाबै छी, बस एकटा छोट मोट काज कऽ पाबै छी अपना फैमिली लेल, तऽ ई चीज कोनो मैटर नहि करै छै। एतै किछु करू जाहिसँ कि समाज के डेवलपमेंट होइ, इएह सब चीज। आओर किछु हम अहाँसँ साझा नहि कऽ सकै छी वर्तमान मे, लेकिन हमरा सबके संग बनल रहू, निश्चित तौर पर जे छै से हमसब समय समय पर चीज के राखब। किछु एहन इशेंस अहाँके बतायब जे अहाँ फील कऽ रहल छी, अगर अहाँ बाहर में छी तऽ अहाँके नो डाउट ई फील कतौ ने कतौ दिल सँ कनेक्टेड बुझायत जे हमहुँ सब किछु ने किछु कहियो ने कहियो एहन चीज केने छी। तऽ इएह छै गाँव के खूबसूरती, इएह छल जरूरी संवाद जे अहाँ सबसँ केलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला।